हेमंत सरकार के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र की सीआईडी जांच की मांग को लेकर पीआईएल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही और मैं हूं चंद्र प्रकाश। सामाजिक कार्यकर्ता जहां आरा ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र की जांच सीआईडी से कराने की मांग की है। प्रार्थी ने मामले में राज्य सरकार, झारखंड के डीसीपी, एडीजी, सीआईडी को प्रतिवादी बनाया। प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि एक युवती आयशा द्वारा वर्ष 2013 में यौन शोषण का आरोप हेमंत सोरेन एवं मुंबई के सुरेश नागेर के खिलाफ लगाया गया था। पुनः आयशा ने अपनी सहमति से इस मामले को वापस ले लिया था। केस उठाने के समय युवती ने कहा था कि उसकी शादी ठीक हो गई है और वह अपना घर शिफ्ट कर रही है। उसने यह भी कहा था कि बिना किसी के दबाव और प्रभाव के वह केस वापस ले रही है, लेकिन 7 साल बाद उसके द्वारा इस केस को पुनः जीवित किया गया। आयशा ने 9 दिसंबर 2020 को इस मामले को उठाते हुए मुंबई हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की है। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग के पास भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सुरेश नागर के खिलाफ यौन शोषण मामले में शिकायत की गई है। कहा गया है कि उसके द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। प्रार्थी का कहना है कि ऐसा कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार गिराने की साजिश हो रही है। प्रार्थी ने याचिका में यह भी कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के द्वारा कुछ समय पहले कहा गया था कि झारखंड की सरकार को 2 माह में गिरा देंगे। इसे लेकर नंद किशोर सिंह ने 31 दिसंबर 2020 को दुमका सदर थाना कांड संख्या 298/2020 दर्ज की गई थी। इस मामले की जांच झारखंड सीआईडी से कराने का आग्रह प्रार्थी ने किया है।